ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन, और देख लेते हैं कि आप सभी के लिए ये हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो चलिए ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द कमिंग वीक, जो कि है मई 22 से लेकर 31 तक। जी हाँ, 22 to 31 क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। केयर रिक्वायर्ड, ओके, सोसाइटी एंड प्लानिंग, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं, देखिए हाँ, एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ, आप अपनी रीडिंग को सन साइन मून साइन जैसे आपको रेजोनेट करती है आप वैसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रेजोनेट करती है, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग, एक ही रीडिंग को फॉलो कीजिए। चलिए, तो एंजल्स कह रहे हैं गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन, ओके। दैट मीन्स कि देयर आर पीपल अराउंड यू, आपके अराउंड कुछ लोग हैं आपको धोखा देने के बारे में हो सकता है सोच रहे हो, समबडी ट्राइंग टू चीट यू, मैन्यूपुलेट यू, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। कोई भी हो सकता है आपके अराउंड। सोसाइटी का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको लोगों से मिलना जुलना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप अपने आप को यू नो घर में ही बंद कर लें, आई थिंक आपको ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। इन्विटेशन कोई आ सकता है, और अ कॉल और इन्विटेशन कमिंग योर वे, कनेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो नेटवर्किंग के लिए, कनेक्टिविटी के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। कोई लव इंटरेस्ट, सिंगल है तो लव इंटरेस्ट है, यू नो कि कोई मे बी अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये भी चीज़ हो सकती है। बट एंजल्स कह रहे हैं कि दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट मत कीजिए। आई डोंट नो किस वे में आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आपको एहतियात रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बार बार एक ही चीज़, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरह के लोगों को मिल रहे हैं, एक ही तरह यू नो चीज, मतलब बार बार एंजल्स कह रहे हैं कि उन मिस्टेक्स को दोहराइए मत, वो आपके लिए सही नहीं है। नाउ इज़ द टाइम, टाइम अच्छा है प्लानिंग के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कुछ भी है, फाउंडेशन किसी चीज़ की आपको फाउंडेशन रखनी है, उसके लिए टाइम अच्छा है। आप काफ़ी टाइम से घर सोच रहे हैं, गो हैड यू कैन, ठीक है, आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। कुछ सेटअप करना है, कहीं बिजनेस के लिए कुछ करना है, किसी को अप्रोच करना है, या शादी के लिए सोचना है, इट्स अ गुड टाइम। पर कुछ चीज़ों में एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ी सी केयर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, बार बार आप जो आगे भी आपको पता है कि हाँ, ये आपने लेसन लर्न कर लिया, ये वाली मिस्टेक आपने बहुत बार की है, बट स्टिल अगर वो ही रिपीट करेंगे तो वो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं, इस हफ्ते आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। यस, कोई स्पेशल इन्वाइट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, जहाँ से और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और आई थिंक आपका सर्कल बढ़ सकता है, या हो सकता है इट्स अबाउट कि यू मे गेट अ ट्रू पार्टनर फॉर यू, कि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस, ठीक है। चलिए अब हम लव लाइफ की स्पेशली बात कर लेते हैं। ओके, ये नहीं, हम ये वाला डेक चूज करेंगे। तो कैंसेरियंस की लव लाइफ कैसी रहेगी, जय गुरु जी। ओके, सो ओके, सो यहाँ हमें थोड़ी सी कोल्ड रिजिड एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप करंटली किसी, आप फील कर सकते हैं किसी के एनर्जी को, ठीक है, क्योंकि कितना इंटेंस कनेक्शन है। यू हैव स्टिल हैव लव, अब वो कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक न्यू एनर्जी भी आ रही है कि आपके मन में किसी के लिए प्यार है। बट वाई, एक कोल्ड डिटैच एनर्जी क्यों है? हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। टू ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, ठीक है, यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस, इंटेंस इमोशंस हैं किसी के लिए, बट उस इमोशन ने ही आपको रिजिड बना दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने जोन से निकल नहीं पा रहे हैं, अपना प्यार शो नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता है। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है आप दोनों ही उसी एनर्जी में है। हो सकता है आप एक दूसरे के ट्विन हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जीज में हो, यू नो यू आर अवॉइडिंग ईच अदर, या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जिन्होंने सिमिलरली सब कुछ फेस किया है,
ठीक है, वैसी सी एनर्जी आ रही है, या ये खुद की आपकी सोच है, आप लाइक आप एक ऐसे जोन में है, ठीक है, आपको आपके लेसन्स लर्न करने हैं, सिर्फ वी आर गेटिंग वेरी डीप मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस कि आप तब तक उस जोन में से निकल नहीं पाएंगे जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स में भी आपको खुद को कुछ अचीव करना है, और या हो सकता है इट्स अबाउट कि आपने ड्रीम किया हुआ है एक लाइफ विद दिस पर्सन, बिकॉज अगर इस पर्सन की बात करें दे स्टिल मिस यू, बट आई थिंक मिसिंग इन द सेंस कि जो मेमरीज हैं, बिकॉज कोई है यहाँ पे कि यू नो दे होल्ड ऑन टू सम मेमरीज, वेरी लविंग मेमरीज, ठीक है, वो चीज़ हैं, बट ये पर्सन थोड़े से मुझे डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, होपलेस। हो सकता है कि वो हो सकता है आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या हो सकता है वो मूव ऑन कर चुके हैं, या बहुत कुछ अंदर है, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को डीपली सोचना कि नहीं ये है वो है, ऐसी एनर्जी हमें आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, बट आई डोंट नो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आउटकम की अगर बात करें, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समबडी एल्स, ओके, या आप दोनों की ही लाइफ में आप मूव ऑन कर चुके हैं, कोई और है, बिकॉज देयर इज सम अदर एनर्जीज, लाइक यहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रहा है, उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, सो वैसी सी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कन्फ्यूज एनर्जी है, ठीक है, लाइक अ कन्फ्यूजन हियर, दैट्स आई एम गेटिंग फॉर यू कैंसेरियंस, ठीक है। तो जो भी आप मतलब जो भी रिलेशनशिप में है, चाहे वो न्यू पर्सन है या वट एवर, बी वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे स्टिल वो अनडिसाइजिव एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टिल मुझे ऐसे लग रहा है कि आप फिर से उस ऐसे जोन में ना फंस जाएं, वो मैन्यूबुलेशन और वो, तो बी वेरी क्लियर क्या करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस को। आई थिंक इट्स अबाउट स्टॉप जगलिंग, ठीक है, कि या तो ओवर कर दीजिए इस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ में से बाहर निकल आइए एंड मूव फॉरवर्ड विद योर ऑप्शंस, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जोन में से बाहर निकलना होगा, मुझे कहीं ना कहीं आप जहाँ से शुरू होते हैं वहीं वापस आ जाते हैं, जहाँ से शुरू होते हैं वहीं वापस आ जाते हैं, पता नहीं क्यों वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अगर कोई चीज़ सही नहीं है, दैट मीन्स कि यू हैव टू चेंज, अब वो खुद को चेंज करना है या सिचुएशन को, वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात, जो भी हमें दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द यू नो कैंसेरियंस। अब हम आपके करियर की बात कर लेते हैं, और बने रहिएगा एंड में, हम कुछ और एक्स्ट्रा कार्ड भी निकालते होते हैं सो दैट आपको और पता चले कि आपके लिए क्या है, ठीक है ना। चलिए, अब करियर की अगर बात करें, वाओ, सम गुड एनर्जी हियर, मे बी आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फाइनेंशियली हो सकता है कि आपको आगे चांस मिल रहा है टू मूव फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा टाइम तक स्टक नहीं रहेंगे, इट्स अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, या तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वेज बन सकते हैं, तरीके, यू नो, टू स्टेप फॉरवर्ड। बस ये ज़रूर है कि अगेन जो एंजल्स बोल रहे थे, डेफिनेटली कुछ नया है, एंजल्स ये कह रहे थे कि मिस्टेक्स को दोबारा मत दोहराइए, ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। क्विक, समथिंग क्विक, प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि सम प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, और कहीं ना कहीं एक कुछ अगेन कुछ एंड हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है करियर में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लाइक अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड देन टूवर्ड्स अ न्यू थिंग, कि साथ ही कुछ नया भी शुरुआत हो रही है, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि एक आपको कोई साइन मिल सकते हैं, आई डोंट नो, मे बी इट्स लाइक अ हमिंग बर्ड, या कोई साइन आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आप कुछ यू नो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, बट येस सम मैसेजेस और साइंस फ्रॉम द एंजल्स फ्रॉम द डिवाइन यू मे गेट। चलिए, ये तो हो गई आपकी करियर की बात, ये करियर वाइज भी आपको, और आगे देखते हैं कि और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस, कि आपको आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल। देखिए, सन रिलेशनशिप और करियर, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है द सन कार्ड, पॉजिटिव, ब्राइट, हैप्पी, वेरी चेयरफुल, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर हो सकती है, ऑफर ऑफ लव, ऑफर ऑफ कमिटमेंट। तो अगर हम रिलेशनशिप की भी बात करें ना, देन आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम टू टेक थिंग्स फर्दर, ठीक है, कि आप इस समय पे आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उन पास्ट की, अगर आप
देखो अलग अलग सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है, कि मे बी आप उन कैंसेरियंस में हैं जो हील हो चुके हैं, मतलब हील अपने आप को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग पास्ट में हैं, बट बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट स्टेपिंग इनटू अ न्यू जोन. मुझे लगता है कि एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो यहाँ से आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ हैप्पीनेस आ सकती है आपकी लव लाइफ में भी. आपको डिसीजन अच्छे से लेने हैं, ठीक है, और आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, और आपको आगे बढ़ना है. आपका जो सोशल सर्कल है उसको बढ़ाइए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए. यू नेवर नो आपको कि आपके जो ये इस टाइम पे जो आपके स्टेप्स लिए हुए हैं वो आगे चल के आपको बहुत खुशी दे सकते हैं. एंड सेम अप्लाइज विद योर करियर एज वेल, कि आप बाहर निकलिए, ठीक है, और जो जिस तरीके से आप पहले काम कर रहे थे या जो भी गलतियाँ दोहरा रहे थे, अब आगे आपको भगवान वो चांस दे रहे हैं. मे बी हो सकता है इट्स अबाउट टाइम टू मूव फॉरवर्ड. आप मुझे लगता है खुद की ही मदद कर सकते हैं या कोई आगे आपकी मदद कर सकता है. इट्स लाइक अ नेटवर्किंग. अब वो तब होगा ना जब आप अपने आप को लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे या बाहर निकल पाएंगे. अगर आप अपने आप को डिसकनेक्टेड रखेंगे देन नोबडी कैन हेल्प यू, ठीक है. सी अब आप कहेंगे कि कोई नहीं होता, कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कोई नहीं हेल्प करता. भगवान हेल्प करते हैं, वो भगवान का तरीका है, चाहे वो किसी से करवाएं या कैसे भी. कीप दैट इन माइंड कि भगवान कभी किसी और को भी भेज देते हैं. तो कीप योरसेल्फ ओपन ये एनर्जी. चलिए एक एक्स्ट्रा कार्ड लेते हैं कि साईं बाबा का क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल अवर लवली व्यूअर्स. अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, तो साईं बाबा कहना चाह रहे हैं यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून. आपको अबंडेंस का गिफ्ट मिलने वाला है. दैट मीन्स आपकी लाइफ में भगवान जो है वो खूब अबंडेंस यानी कि हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट. आप देख सकते हैं अब बाबा यहाँ पे पौधों को पानी दे रहे हैं और कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं. दैट मीन्स कि इट्स योर लाइफ, इट्स योर टाइम. यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस. आप वो रिसीव करेंगे, ठीक है, वो तब रिसीव करेंगे जब आप इस मोड में होंगे. अगर आप अपने आप को खिंचा रखेंगे दैन हाउ विल यू, तो यू हैव टू बिलीव इन दैट, ठीक है. तो डिवाइन एनर्जी में बिलीव कीजिए, आगे बढ़िए. आई थिंक रिलेशनशिप वाइज भी कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, प्रॉस्परस हो सकती हैं, ठीक है. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.